दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के लिए 6 सेंटर बनाए थे, जिसमें मुंबई के केंद्र से कुछ बुरी खबरें सामने आ रही हैं। पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंड्समैन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। अब दिल्ली कैपिटल्स टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। दिल्ली की टीम भी इस समय मुंबई में ही है। दिल्ली कैपिटल्स को अपना पहला मैच 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है। इस मैच को शुरू होने में अब सिर्फ 7 दिन का समय बाकी और ऐसे में अक्षर पटेल का कोरोना पॉजिटिव आना सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली कैपिटल्स कैंप से जुड़े एक सूत्र ने ANI से बातचीत में बताया कि दुर्भाग्य से अक्षर पटेल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वो आइसोलेशन में हैं और सभी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज नीतीश राणा के बाद अक्षर पटेल दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि नीतीश राणा को 22 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और अब वे नेगेटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव परिणाम आने के बाद वो सेल्फ आइसोलेशन में रहे थे और बाद में जब गुरुवार को कोरोना टेस्ट करवाया तो उनका परिणाम नेगेटिव आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने टूर्नामेंट के लिए SOP तैयार किया है, जिसके मुताबिक एक खिलाड़ी जो कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हो उसके लक्षणों को पहले दिन से कम 10 दिनों के लिए जय सुरक्षित वातावरण के बाहर एक विशेष क्षेत्र में आइसोलेशन में रहना होगा। ऐसे में अक्षर पटेल कम से कम पहला मुकाबला दिल्ली की टीम के लिए नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा मुकाबला 15 अप्रैल को खेला जाना है।